2 years. My name is Rahul Kumar. I am assistant professor in Department of Computer Science and Information Technology at Doba College. Our today's topic is Java Ops Concepts. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले कि ओप्स होता क्या है. ओप इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओप जो है वो एक प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स से काम करते हैं, ना कि सिर्फ फंक्शंस और प्रोसीजर से. इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्लासेस में ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम सब इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप टुगेदर यानी कि इकट्ठा कर सकें. मेनली हमारे पास चार कंसेप्ट्स हैं जो ओप्स के जावा में हैं. फर्स्ट वन इज अब्स्ट्रैक्शन, सेकंड वन इज एनकैप्सुलेशन, थर्ड वन इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड फोर्थ वन इज इनहेरिटेंस. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन. इट कैन बी डिफाइंड एज टू हाइड द इंटरनल डिटेल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड डिस्क्राइब इन सिंपल टर्म्स. इसका मतलब ये है कि अब्स्ट्रैक्शन जो है वो इंटरनल डिटेल्स और प्रोसेसिंग को हाइड करता है फ्रॉम द यूजर और फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड. अब्स्ट्रैक्शन को ओप में हम बहुत से तरीकों से अचीव कर सकते हैं, जैसे कि एनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस. एब्स्ट्रैक्शन की रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो है जावा का ही प्रोग्राम. जैसे कि हम किसी भी जावा के प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो हमें उसकी आउटपुट दिखाई देती है, बट हमें उसके पीछे की प्रोसेसिंग का नहीं पता होता, जैसे कि कैसे हमारा जो कोड है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ है. हमारा अगला ओप का कंसेप्ट जो है वो है एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओप्स में एनकैप्सुलेशन के लिए हमारे पास असेस मॉडिफायर होते हैं, जैसे कि C++ में हमारे पास असेस स्पेसिफायर होते हैं, पर जावा में हमारे पास चार तरह के असेस मॉडिफायर होते हैं. इनके नाम है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट. इनको हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल्स यूज करते हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकें, ताकि वो जो वेरिएबल्स हैं वो दूसरी क्लासेस को असेसिबल हो या फिर ना हो. एनकैप्सुलेशन की जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो कैप्सूल है जो हम एज ए मेडिसिन लेते हैं. उससे उसमें सारी मेडिसिन को क्रश करके एनकैप्सुलेट यानी कि रैप किया जाता है. हमारे पास तीसरा कंसेप्ट जो है वो है पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो दो वर्ड्स से बना है. फर्स्ट वन इज पॉली, सेकंड वन इज मॉर्फ. पॉली वर्ड का जो मीनिंग है वो है मैनी एंड मॉर्फ का मीनिंग है फॉर्म्स. जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो मीनिंग है वो बनता है मैनी फॉर्म्स. पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट बिहेव करता है इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस. हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो हमें अलाउ करता है कि हम एक ही टास्क को डिफरेंट डिफरेंट वेज में कर सकें. पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो दो तरह की होती है. फर्स्ट वन इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेकंड वन इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम मेथड ओवरलोडिंग से अचीव कर सकते हैं और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम मेथड ओवरराइडिंग से अचीव कर सकते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म की हमारे पास जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो ये है कि एक पर्सन जो है वो कैसे डिफरेंटली बिहेव करता है इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस. जैसे कि शॉप्स में वो एज ए कस्टमर बिहेव करता है, कॉलेज में एज ए स्टूडेंट बिहेव करता है, और इन कंपनीज एज ए एम्प्लॉय बिहेव करता है. हमारे पास नेट और आखिरी हमारा जो कंसेप्ट है वो है इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. इनहेरिटेंस का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि हम अपने कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं. इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक्सटेंड्स कीवर्ड होता है. इनहेरिटेंस में हमारे पास दो तरह की क्लासेस होती हैं. फर्स्ट वन इज
सुपर क्लास और पेरेंट क्लास, जिससे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जो है वो सब क्लास इनहेरिट करती है। और सेकंड क्लास जो है वो है चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास, जो दूसरी क्लासेस की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है, मींस की एक्वायर करती है। इनहेरिटेंस की जो एग्जांपल्स है वो ये है कि जो एक बेटा है वो अपने फादर की सभी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। जैसे कि आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि लॉइन को एज ए फादर बेस क्लास लिया गया है और कब्स को एज ए सन ड्राइव क्लास लिया गया है। इट मींस कि जो कब्ज हैं वो अपने फादर लॉइन की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करते हैं, मींस अपने फादर की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।